राजस्थान में इस बार तेरा मेरा नहीं चलेगा, ना किसी गुट वाले की पैरवी चलेगी, ना किसी खेमे वाले को टिकट मिलेगा। जिन्हें टिकट मिलेगा वो ना गहलोत का पसंदीदा होगा और ना ही सचिन पायलट का खास। भाई बात तो देखो जनता ही होती है, हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई अहम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जितनी प्लानिंग बीजेपी में चल रही है उतनी ही तैयारियां कांग्रेस में भी लगातार जारी है। अब आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव का पूरा दारोमदार प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। 200 विधानसभा सीटों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जो जीत की गारंटी दे रहे हैं। राजस्थान में जितना इस बार बीजेपी सरकार में आने को बेताब है उससे कहीं ज्यादा बेताब गहलोत अपनी सरकार रिपीट करने को है। सीएम गहलोत इस बार राजस्थान का वो रिवाज तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें सत्ता में आने से रोक रहा है। सीएम अशोक गहलोत तो अपनी सरकार रिपीट करने में डट चुके हैं, लेकिन लगता है कांग्रेस आलाकमान ही उनकी राह में रोड़ा बन रहा है। जी हाँ, अब आलाकमान ने एक और फैसला किया है, फैसला घर की लड़ाई को खत्म करने का, फैसला गहलोत पायलट को एक करने का और फैसला पार्टी में गुटबाजी और खेमेबाजी को खत्म करने का। इस बार कांग्रेस में ना किसी खेमे वाले का सिक्का चलेगा और ना ही किसी गुट वाले की दाल गलेगी। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस इस बार एक ही कमजोर और सिफारिश करने वाले उम्मीदवार मैदान में नहीं आने चाहिए। मतलब साफ है कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, टिकट वितरण से लेकर चुनाव की तैयारियों तक, इस बार आलाकमान का पूरा दखल रहने वाला है। सरकार रहने के बाद भी पिछले 4 साल में कांग्रेस में जितनी लड़ाई रही है, कौन किससे कितना लड़ा है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पिछले साल पायलट की एक और बगावत ने तो पार्टी में जबरदस्त रायता फैला दिया। अब सारे रायते को समेट कर कांग्रेस पार्टी एकजुट होना चाहती है, या कम से कम एक है ये पब्लिक में दिख जाए। हालांकि गहलोत पायलट को एक करना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। बताऊं कि राजस्थान में शानदार काम हुआ है, उनके परिणाम भी हम कहते हुए सरकार इस बार आ सकती है, जवाब में तो आ सकती नहीं, आ रही है। इतना लोगों में कमेंट आ रहे हैं, माई बाप तो देखो जनता ही होती है, हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई अहम नहीं करना चाहिए। फैसला उनका शुरू धारी है और माहौल ऐसा बन गया।